आज की क्लास में हम सामिफ की कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, क्योंकि तो लास्ट क्लास में हमने आपको सामिफ के बारे में समझाया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमें जो करना है, क्या करना है, हमें डेट के हिसाब से मंथ दे दिया, इसके हिसाब से निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, मुझे इसका अगर टोटल निकालना है जनवरी का, तो मैंने आपको याद है समझाया था कि वन डैश, प्लीज म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड शोर आ रहा है, जैन को सिलेक्ट किया और यहां हम अपना ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं 2020, चाहे जो भी सिलेक्ट करना हो ईयर में आप कर सकते हैं। फिर हमने यहां हमने बताया था आपको कि हम यहाँ पे ईओ मंथ लगाएंगे, जिसका एंड ऑफ द मंथ हमें मिल जाएगा। तो हर डेट का महीने स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे मिल गया। फिर यहाँ हम सम इफ लगाएंगे, सम इफ्स, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है इसलिए। तो हम देंगे सम रेंज, पहली क्राइटेरिया दिया हमने जैन, इस डेट वाले कॉलम में इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके साथ हमने इस जनवरी फर्स्ट जैन को सिलेक्ट किया। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और फिर हमने लिखा लेस देन इक्वल टू, और एन परसेंट के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। रिपोर्ट 5855 आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं फैब करूंगा तो फैब का है, तो इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे यहां पे। तो सबसे पहले आपको इस जनवरी सर का वहां पे जैसे और एंड निकालना होगा। सर डेटा में जैसे आपने वहां पे जैन की फैब किया था ना, तो वहां पे फिर जैन का ही आ रहा था मंथ। नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, आ गया मैं 29 फैब। तो यहां पे हम सबसे पहले यहां पे देते हैं वन डैश ब्रैकेट में, हमने इसको सिलेक्ट किया अगेन ब्रैकेट डैश, और हमने ब्रैकेट में 2020 ऊपर सिलेक्ट किया, डेट बन गया। फिर हमने ईओ मंथ लगाया, और ईओ मंथ में हमने किसको सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो कर दिया, गया डेट। तो इसको नीचे ड्रैग करना है, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया, और इसी फॉर्मूले को उठाता हूं और ईओ मंथ में डायरेक्ट डाल देता हूं यहाँ पे। ओके, दोनों को फिक्स कर दिया, इंडिविजुअल हो गया, इसे लिंक अप नहीं रहा। अब मैं इसको देता हूं फॉर्मूला सम इफ्स। सम इफ, सबसे पहले मुझे सम रेंज देना होगा, तो मैंने यहाँ पे सम रेंज दे दिया। फिर आता है क्राइटेरिया वन रेंज, जो कि नेम में हमें यहाँ नेम को सिलेक्ट करना है। देन दूसरी क्राइटेरिया आता है सिटी, और सिटी में हमें यहाँ सिटी को सिलेक्ट करना है। फिर तीसरी क्राइटेरिया आता है डेट, और डेट में हमने इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और एन परसेंट के साथ हमने यहां इस वाले डेट को ले लिया। वापस डेटा में गए, वापस डेट को सिलेक्ट किया कॉमा, फिर हम यहां पे देते हैं लेस देन इक्वल टू एन परसेंट, और समरी में आते हैं और नीचे वाला डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट कीजिए, रिपोर्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे 2019 करूंगा तो 2019 का आएगा, 2020 करूंगा तो 2020 का आएगा। नीचे सबके लिए चाहिए, सबसे पहले तो मुझे इसको हटाना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ समरी समरी D8 आ रहा है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ, लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में हम इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं डीएल का। फिर वापस इसको सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे आपका E8 था, जहां पे E8 है E8 को डिलीट करता हूं, और E8 का फॉर्मूला E ब्रैकेट में E यहां पे पेस्ट कर देता हूं। नीचे ड्रैग करना है, तो हमें फ्रीज करने होंगे B2 को, हमें फ्रीज करने होंगे B3 को,
उनको फ्रीज करना पड़ेगा। बाकी ए एट तो फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, बी फोर को हम फ्रीज कर चुके हैं। ओके, और सम इफ और एवरेज इफ सेम होता है, तो इसी फॉर्मूला को मैं यहां पे पेस्ट करूंगा और सम इफ को, सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं पे मैं सम इफ को एवरेज इफ में कन्वर्ट कर दूंगा, एवरेज इफ्स, बस बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर हुआ सर? जी सर, ये तो क्लियर। यहाँ पे कुछ भी नाम मैं लिखूं, कुछ भी सिटी लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो ये रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर सेम, जैसे यहाँ पे देखिए कि 2019 और जैन जुलाई है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबका स्टार्टिंग और एंडिंग डेट निकालना होगा। वन डैश ब्रैकेट में जैन, अगेन ब्रैकेट, और इसके साथ हमने 2019 को सिलेक्ट करूंगा, हो गया। सेम फिर यहाँ पे, लेकिन इसको ईओ मंथ में करना होगा क्योंकि जुलाई तक का चाहिए, जुलाई का लास्ट डेट चाहिए, फर्स्ट डेट नहीं चाहिए। अब जुलाई 31 होगा, कोई मंथ फरवरी हुआ तो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे हमें वन डैश एंड परसेंट, हमने जुलाई लिया एंड यहाँ पे डैश वापस एंड परसेंट हमने लिया और यहाँ पे कॉमा 0। अब तो समीप लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हाँ, लगा सकते अब सेम इसी तरह से क्वार्टर्स का डेट आपको कैलकुलेट करना होगा, सेम इसी तरह से वीक सर। का। क्या क्वार्टर क्वार्टर और वीक में कैसे करने सर? क्वार्टर और वीक में, क्वार्टर और वीकली? हाँ ये सर, ये किस में कैसे बनाना है? क्वार्टर में कैसे आएगा? आपको क्वार्टर वन है, सबसे पहले आपको यहाँ चूज का फॉर्मूला लगाना। आप शायद भूल गए, आपको मैंने जब एड्रेस फॉर्मूला बताया था तो चूज का एग्जाम्पल बताया था सर। चूज का तो भूल गए आप, मैंने बताया था एड्रेस फॉर्मूला में, मैंने बताया था आपको, तो हमने एड्रेस इनडायरेक्ट मैच एक साथ पढ़ाया था। सर, एड्रेस और चूज नहीं बताया सर, इनडायरेक्ट तो बताया है। मैंने आपको जो रेफरेंसेस फॉर्मूला में, मैंने आपको ये चूज फॉर्मूला नहीं समझाया मैंने। कॉलम भी समझाया सर, कॉलम समझाया है, तो लुकअप है तो ये लुकअप सब है। समझाऊंगा, एक फॉर्मूला थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो एक एग्जांपल दिया था कि जैन से दिसंबर का टोटल निकालना है, क्वार्टरली टोटल निकालना है, याद होगा। हमने मंथ वाइज टोटल दिए थे, नेम वाइज टोटल दिए थे, एग्जाम्पल बताया था मैंने। बी लुकअप्स की पहली क्लास से पहले वाली वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। ओके 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 सर। तो चूज फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, चूज फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट में लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे हर महीने हर क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट लिख देंगे, जुलाई यही होता है ना, जैन अप्रैल जुलाई। हाँ ठीक, यस। इससे क्या होगा कि क्वार्टर वन यहाँ पे आगे इसको इजीली ड्रैग कर लीजिएगा, ड्रैग हो गया सर। तो आप डेट निकाल ही सकते हैं ना, यस सर, यहाँ पे आप जब बोलेंगे सर स्टार्टिंग डेट तो निकल जाएगा। मैं स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मान लीजिए कि वन डैश एन परसेंट जैन और एन परसेंट डैश हमने एंड इस जनवरी का एंड डेट कैसे निकलेगा, मैं जैसे जी फर्स्ट क्वार्टर का, तो ई टू मंथ यहाँ पे क्या डालेंगे, 0 क्या डालेंगे सर सुंदर जी? सर मेरे हिसाब से 3 डालेंगे सर। नहीं 3 नहीं होगा, 0 से काउंटिंग होता है, 2 डालेगा। 3 डालने पे 4 महीना आगे का दिखा देगा ना सर। ठीक ठीक सर, ठीक। तो बाकी तो कर ही सकते हैं आप, यस। और सर वीक में कैसे, उसको हम वीक में कैसे करेंगे? वीक में ऐसे करेंगे जैसे हम क्वार्टर में किया है, वन अलग करेंगे और फिर अच्छा 7 7 से 8 इस तरह से निकालेंगे।
ठीक है, और सब मैं ही बता दूंगा तो मैं ही समझा दूंगा सब, फिर आपकी आपको क्वेश्चन देने का फायदा क्या हुआ मुझे, हाँ सर ये भी। क्या कुछ दिमाग आप भी लगाइए। और सुनील जी आपने भेजा नहीं तो फाइल मुझे, आप तो बराबर भेजते हैं ना। नील जी नहीं सॉरी सर, मैं कर नहीं पाया वे, क्योंकि वही तो टाइम बोला लग हूँ, रहा था हमेशा ये मैं आपके थोड़ा किसी सा। के तरफ से आए ना आए आपके तरफ से तो फाइल हमेशा आती थी, इस नहीं बार सर अभी टाइम थोड़ा सा, हमें अभी थोड़ा बिजी, अभी टाइम नहीं मिला सर ना आजकल, थोड़ा सा ऑफिस का बड़ा दिन रात का चल रहा है काम, तो कर नहीं पाया वे। ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ऑफिस के काम कीजिए, ऑफिस में काम है तो नौकरी सलामत। हाँ भाई आजकल यही चल रहा है थोड़ा सा। आजकल ऐसे भी ऐसी है कि हर कोई हर कंपनी सोचती है कभी कितने बंदे निकालो कब निकालो। हाँ बस वही है, कभी कि यहाँ जाओगे उधर जाओगे तो फिर थोड़ा सा। ठीक है मैंने फाइल भेजा है आपको, आप इसको करके मुझे वापस भेजिए, ठीक है? ठीक तो आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मैं भेज दूंगा ना थोड़ी देर में। सर, मेरे को कल का और परसों का थोड़ा रिकॉर्डिंग चाहिए था, मेरे को अभी तक मिला नहीं है। कल की रिकॉर्डिंग आई थी यूट्यूब पे डाला है मैंने, अच्छा देख लीजिए, देखता हूँ मैं निकाल के दे देता हूँ।